हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, हम लोग का जो है आज एक खुशखबरी आ चुका है 6 लाइन के बारे में। ठीक है, क्या है खुशखबरी आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरी जानकारी दे सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार गाइज हम लोग का खुशखबरी आ ही गया है। ठीक है, इस रोड जो 6 लाइन बन रही है बनारस से कोलकाता 610 किलोमीटर का, ठीक है, इसमें जो है जो ज़मीन का पेमेंट आने वाला था उसी के बारे में होगा ये वीडियो। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है हम लोग का खुशखबरी आया हुआ है। अब क्या है खुशखबरी आप लोग को जानने को मिलेगा, उससे पहले हम सारा कुछ बताएँगे आप लोग को पेमेंट से रिलेटेड चीज़। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है नोटिस आने के बाद जो है गाइस पेमेंट का जो भी कार्य होती है करना पड़ता है। जैसे नोटिस आने के बाद गाइस आप लोग ज़मीन का जो है रसीद पट्टा ये सब निकाल करके जमा करना होता है, कागजात ये सब स्टाम्प पेपर वगैरह सारा कुछ जो है जिसमें पेपर वगैरह लगता है सारा कुछ आप लोगों को खर्चा करके जो है वकील से जो है साइन वगैरह करा करके जो है जमा करना पड़ता है इसका, जहाँ पर ऑफिस होता है ब्लॉक में। ठीक है, NHI का काम जो है गाइस सारा कुछ जो है ब्लॉक से ही होता है, वहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए रहते हैं, उन लोग सारा कुछ देख रेख में होता है। शुरू में जो 1,000 रुपया खर्चा लगता है पेपर वगैरह बनाने में, उसके बाद जमा करने के बाद गाइस पेमेंट का प्रोसेसिंग शुरू होता है। तो हम लोग जो है गाइस पेमेंट का प्रोसेसिंग जो है 1.5 महीना पहले ही किए थे। ये जो है चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव, नरेंद्र मोदी जो अभी बने PM का चुनाव चल रहा था, उससे पहले ही जो है हम लोग पेपर वर्क कर चुके थे, सारा कुछ वर्क हो गया था। थोड़ा सा चुनाव के चलते जो है इस पेपर में जो है थोड़ा रोक लगा गया था, पेमेंट के लिए पेमेंट नहीं हो रही थी चुनाव के चलते। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जो है बोला गया था कि 1-2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, फिर भी इंतज़ार किए लेकिन नहीं आया। किन्हीं किन्हीं का आ रहा था लेकिन हम लोग का नहीं आया। ठीक है, उसके बाद इंतज़ार करते करते 2-3 सप्ताह बीतने के बाद आखिरकार पेमेंट आ ही गया है। ठीक है, कितना आया है क्या आया है सारा कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो हम लोग बने रहे। ठीक है, तो एक महीना के बाद जो है 1 से 1.5 महीना के बाद हम लोग का जो है पेमेंट आखिरकार आ ही गया है। ठीक है, मतलब इधर जो है हम लोग का रेट यानी हर जगह का रेट जो है गाइस ज़मीन का अलग अलग दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग के इधर अलग है, आप लोग के जैसे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे UP उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जो है ज़मीन का रेट अलग हो। झारखंड में भी गाइस हम लोग का मान लीजिए पर डिसमिल 70 से 75 हज़ार मिला है। ठीक है, तो यहीं से मान लीजिए मेरा घर से 10 किलोमीटर आगे जाइएगा तो वहाँ पर जो है ज़मीन का रेट थोड़ा डाउन होगा या तो अप होगा। ठीक है, और ये निश्चित रूप से ही होता है क्योंकि बैकवर्ड एरिया में जो है ज़मीन का रेट कम ही रहता है। जैसे कि आप लोग बैकवर्ड एरिया में होंगे, देहाती लोग विलेज से बिलोंग करते होंगे तो पता होगा आप लोगों को, शहरी क्षेत्र में गाइज ज़मीन का रेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसी के चलते जो है सबका अलग अलग रेट मिला है। हम लोग का गाइज तार जो दिख रहा है खेत के आगे वाला खेत आप लोग दिखे भी किए हैं, वहीं का जो है ज़मीन का पेमेंट आ चुका है। ठीक है, कितना आया है तो हम लोग का ज़मीन जो है गाइज रेत ज़मीन जो था 49 डिसमिल था। ठीक है, 49 डिसमिल का पेमेंट जो है 49 डिसमिल में 4 जगह पेमेंट आया हुआ है। 49 डिसमिल को 4 जगह इक्वल डिवाइड किया गया था क्योंकि 4 हिस्सेदारी था उसमें। ठीक है, 1 हिस्सेदारी हम लोग का था और 3 हिस्सेदारी और किन्हीं का था, हम लोग के दादाजी सब के मतलब भाई थे ना उन लोग का था। ठीक है, और एक दूसरा आदमी का था, यानी 3 हम लोग के दादाजी सब थे और एक अलग व्यक्ति का था, उसमें नाम कुछ झमेला था तो उसका भी नाम था तो देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, जो होना था हो गया। ठीक है, यही बताना था आप लोगों को कि जो हम लोग का पेमेंट आ चुका है और जो है गाइस बरसात तक 1 से 2 महीना के अंदर जो है इधर
मतलब 2 महीना बोलिए या तो ये साल 2024 तक जो है हर जगह गैस पेमेंट जो है घुस जाएगा, ठीक है। और ये क्लियर कर देते हैं, हम लोग तरफ जो है पर डिसमिल 70 से 75 हज़ार मिला हुआ है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 49 डिसमिल का कितना होगा। एक हिस्सेदारी में हम लोग का लगभग 8 लाख रुपया करके मिला हुआ है, ठीक है। उसी में फिर हम लोग सब अपना अपना सबका मतलब हम लोग एक हिस्सेदारी में पापा सब 5 गो है तो वहाँ पर इक्वल हुआ, उसके बाद जो हुआ, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, आप लोगों को बताना था कि पेमेंट जो है गाइस घुसना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग का पेपर वर्क सारा कुछ हो गया है तो आप लोग का भी जो है पेमेंट बहुत जल्द घुस ही जाएगा, यानी कर्मचारी वगैरह सारा कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह बनता है कोर्ट से द्वारा, वो सब सारा कुछ वर्क हुआ होगा तो आप लोग का भी पेमेंट आ जाएगा। और बता दें 2024 का लास्ट आते आते सबका जो है पेमेंट घुस जाएगा, और 2024 के बाद जो है 25 है तो ताबड़तोड़ इसमें काम चलेगी ही, और जहाँ तहाँ जो है जहाँ पर पूरा क्लियर हो गया है वहाँ तो 2024 से ही स्टार्ट होगा जैसे ही बरसात ख़त्म होती है। और बहुत जगह तो सुन रहे हैं कमेंट में आया हुआ है कि काम भी अभी चल रहा है, ठीक है, समथल करने का काम चल ही रहा है, ये बंद नहीं हुआ है काम, ठीक है। जहाँ पर पेमेंट क्लियर हो रहा है वहाँ पर जो है समथल होने का कार्य हो रही है, जैसे भी यहाँ पर बरसात है यहाँ पर पानी पूरा जमा हुआ है तो यहाँ पर काम नहीं होगी, बाद बाकी टाणी सब में तो पूरा समथल करने का काम कर ही सकता है क्योंकि इसको जो है 2027 तक जो है गैज कंप्लीट करना है, इसी चलते जो इसमें कार्य फास्ट ही हो रही है, ठीक है। यानी 27 तक नहीं तो 28 तक में जो है गाड़ी चलना है चलना है कोई हालत में, ठीक है। अब कैसे क्या होगा अब सरकार जाने की सरकार का ऑर्डर है, ठीक है। यही बताना था इस वीडियो में, तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को कुछ इससे समझ में आया होगा क्या होता है, पेमेंट आना शुरू हो गया ऐसा नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो जाने के बाद। और जो है गाइज कहीं पे हम लोग को एक पैसा तक घूस देना नहीं पड़ा, पहला पिछला वीडियो हम बता रहे थे आप लोगों को बहुत कोई घूस दे करके पैसा निकलवाया है, इसमें गाइज ये हम लोग का हक है, ठीक है, हम लोग का ज़मीन है तो उसमें हम लोग घूस नहीं देंगे, फिर भी ये पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। सारा कुछ आप लोग का ओके रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम तो उसका कोई नहीं, पेमेंट आ ही जाएगा, ठीक है, टाइम लगे तो लगे लेकिन पेमेंट आएगा, ठीक है, सारा कुछ ओके रहेगा तब। कहीं पे भी कुछ दिक्कत रहेगा झमेला रहेगा तो उसमें पेमेंट रोक देगा, ठीक है। रोक देने के बाद एक बार कोर्ट में चला जाने के बाद पेमेंट आना बहुत ही मुश्किल है गाइस, ठीक है। इसीलिए जितना हो सके आप लोग पेमेंट को जो है कोर्ट ना जाने दें, आपस में जो है जो भी मतभेद है या तो जो भी लड़ाई वगैरह है ज़मीन से रिलेटेड आपस में ही सॉल्यूशन कर लीजिए। जहाँ कोर्ट में जाने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इधर का भी जो है किसी किसी का कोर्ट में चला गया है पैसा यही झमेला के कारण, ठीक है, रुक गया है पेमेंट तो रुक गया है, तो गाइस ज़मीन तो आपका चल ही गया है, और उसमें तो जब काम होगा उसमें तो आपका ज़मीन पर्सनली बीच में तो छोड़ाएगा नहीं, उसको भी साथ में ही लेके काम चलेगा और उसमें कोई सुनवाई नहीं होगा, ठीक है। आप कोर्ट से जाइए, कोर्ट में घूमते रहिए, कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए, आपका पेमेंट जल्दी निकलने वाला नहीं है। जब पहुँच रहेगा पर भी रहेगा तो कुछ हो सकता है, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा पैसा निकालने में। ये सब अपने से नहीं बता रहे हैं गाइस, कर्मचारी के द्वारा बताई गई बातों को बता रहे हैं हम, ठीक है। हमको तो उतना नॉलेज नहीं है कि आप लोगों को हम पूरा अपने से बता दें, ये सब सारा कुछ जो है कहीं से हमको प्राप्त हुआ उसी को आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था, हम लोग का तो आ गया है, आप लोग अपना राय दें आप लोग का पेमेंट आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो कहाँ तक प्रोसेस गया है, क्या हुआ है, नोटिस आने के बाद आप लोग का पेपर जमा हुआ है या नहीं हुआ, सारा कुछ आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जितना हो सके हम अपने का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए
इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।